गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 49वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर में चल रही श्री राम कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम का मिथिला नगरी में प्रवेश एवं जगत जननी माँ सीता के साथ उनके भेंट के साथ कथा प्रारंभ हुई। कथा व्यास काशी से पधारे जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती ने श्री राम कथा को विस्तार देते हुए कहा कि भगवान श्री राम महाराजा जनक के धनुष यज्ञ में पहुंचकर शिव धनुष तोड़ते हैं तथा क्रोध के दूसरे प्रतीक भगवान परशुराम का क्रोध शांत कर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। धनुष यज्ञ में रावण और श्री राम के भेंट को एक नए ढंग से प्रस्तुत करते हुए कथावाचक कहते हैं कि रावण को पता था कि उसे ताड़ने वाला ब्रह्म अवतरित हो चुका है और वो श्री राम को देखते ही ये समझ गया कि श्री राम ही उसके तारणहार हैं। कथा व्यास कहते हैं कि रावण ने श्री राम से कहा कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के बाद आप तीनों का वनवास होगा और हमारे श्रीलंका का सर्वनाश होगा। हे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा।